यहाँ पे डिसाइड हो रहा है ईद के दिन इनको जाना है वाटर पार्क, हाजी को जाना है वाटर पार्क, लेकिन ये स्पेलिंग नहीं बोल में पा रही है। अगर स्पेलिंग बोल दोगे तो फिर ले जाऊंगा वाटर पार्क। चलो ये देखिए दोस्तों, हमने जो आप बैट को हटाया उसके नीचे देख कितना सारा ये चौको पाई वगैरह सब जो है ना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल हर्षी खुशी फैमिली ब्लॉग्स पर। दोस्तों आज जो संडे है, आज मैं घर पे हूँ और कल जो है ईद है, आज 16 तारीख है, कल 17 तारीख है। हाँ तो आज जो है 16 तारीख है, कल 17 तारीख है, तो इसलिए जो आज पूरे घर का जो हम लोग सफाई करेंगे, कल ईद है इसलिए ईद की सफाई होगी आज पूरे दिन में। जो पंखा ऑलरेडी हम लोगों ने सफाई कर दिया है, कितना सारा धूल मिट्टी जो है यहाँ पे गिरा है, अभी जो है पूरे घर में इसी तरह से साफ करेंगे। इधर इसमें जो ऑलरेडी साफ करने लगी है, ये सारे चीज जो है बदल देंगे, जाली जुली जो भी है, जो भी जितना भी हो सकता है उतना साफ सफाई करेंगे, क्योंकि कल हमारा ईद है तो इसी खुशी में साफ सफाई होगा आज पूरे दिन घर में। हाँ हाँ क्या मम्मी मम्मी को दिखाऊं? ये पूरे दिन ऐसे बोलते रहती है, पता नहीं क्या क्या बोलती है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बड़े कोई बड़े लोग बोल रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा बात बोल रहे थे। चले सबसे पहले जो है पेपर को साफ करते हैं टेबल वगैरह का, और फ्रिज को भी जो देखिए कितना गंदा हो गया, एकदम मिट्टी मिट्टी सा हो गया। ये सब भी सबको जो है अच्छे तरीके से साफ करेंगे, ऊपर भी ये सब जो है मिट्टी मिट्टी जम गया, इसको भी साफ करेंगे। चले दोस्तों फटाफट से साफ कर लेते हैं, उसके बाद में मिलते हैं आप लोगों से। दोस्तों उधर जो है रेशमी जी सफाई कर रही है और मैं इधर जो है घर के जो जितने भी जाले हैं ये साफ कर रहा हूँ अभी झाड़ू से। ये दोस्तों काफी दिनों से जो है हम लोग साफ सफाई नहीं किए, अभी कर लेते हैं, मौका भी है, ईद भी है तो थोड़ा सा साफ सफाई भी हो जाएगा। ये देखो ये फूल जो हमने उतारा है कितना ज़्यादा गंदा हो गया, एकदम मिट्टी मिट्टी हो गया, इसको भी अच्छे तरीके से साफ करेंगे, और साफ करने के बाद में ये बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन देखिए कितना सारा धूल मिट्टी है। फ्रिज और जो अलमारी है अच्छे तरीके से साफ कर दिया हमने, तो साफ करने के बाद में कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम साफ साफ हो गया। और इसमें जो अभी ऊपर से कवर वगैरह लगाएंगे, कवर जो इधर है इसको धोना पड़ेगा क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, पहले इन सबको धोएंगे फिर लगाएंगे इसमें। ये देखिए दोस्तों हमने जो आप बैट को हटाया उसके नीचे देख कितना सारा ये चौको पाई वगैरह सब जो है ना खाते हैं और इसके अंदर डालते हैं हंसी खुशी। अभी ये भी हटाएंगे, इधर भी मिलेगा बहुत सारा कचरा। चलिए फटाफट से कर लेते हैं, इसके बाद में नहा धोना भी है, खाना भी खाना है, भूख भी लग रहा है। देखिए दोस्तों ये इतना सारा जो कचरा है हमारा बैट के नीचे से मिला है, ये सारे जो हंसी खुशी खाते हैं ना चॉकलेट वगैरह जो कुछ भी खाते हैं ये दोनों जो इधर डाल देते हैं। अभी देखो कितना बढ़िया लग रहा है साफ सफाई, लेकिन पहले एकदम जब हटाया तो पूरा कचरा कचरा भरा हुआ था। पूरे घर का सफा साफ सफाई जो है हो ही गया है, और इधर देखिए कितना सारा सामान जो है हमने फैला दिया पूरा। हाँ कीजिए कीजिए भलो गए दोस्तों, अभी जो है हमारा पूरे घर के अच्छी तरीके से सफाई हो चुका है। इधर बेड वगैरह के पीछे नीचे सबको साफ कर दिया हमने, पोछा वगैरह अच्छे से लगा दिया, बस इधर का थोड़ा बहुत नीचे का बाकी रह गया, और ये जो है पेपर हमने बदल दिया, बस ये सामान को थोड़ा सा साफ करके सेट करने बाकी है। इधर भी जो है पेपर लगा दिया है, यहाँ फिलहाल अब हमारा देख कार्टन का कपड़ा था वो नहीं लगाया, हमने पेपर लगाया क्योंकि वो बहुत गंदा हो गया था, उसको धोना पड़ेगा इसलिए हमने नहीं लगाया। सो सारा जो सारा जो कपड़ा वगैरह है वो धोने के बाद में इसमें लगाएंगे, बाकी ऐसे जो साफ सफाई है पूरा हो गया, एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक जाली वगैरह जितना भी था सब कुछ सफाई हो गया। और इधर मम्मी क्या गिरा नहीं, अच्छा ये गाड़ी है छोटा। और इधर जो हमारा खाना बचा हुआ था रात का ये दाल है, अभी जो है चावल चावल बनाया, अभी नहा धो के खाना खाएंगे। दोपहर का एक बज रहे हैं तो भूख भी बहुत तेज लग रहा है, सुबह से चाय पराठा खाया था हमने। सर चलिए दोस्तों पहले नहा लेते हैं उसके बाद में खाना पीना खाएंगे। यहाँ पे डिसाइड हो रहा है ईद के दिन इनको जाना है वाटर पार्क, हाजी को जाना है वाटर पार्क, लेकिन ये स्पेलिंग नहीं बोल ना पा रही है। अगर स्पेलिंग बोल दोगे तो फिर ले जाऊंगा वाटर पार्क। चलो 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 सूर्य से बोलो। हाँ वाटर पार्क कैंसिल, जू चलेंगे, जू जू चलेंगे, चलो जू चलेंगे, ठीक है जू के स्पेलिंग बोलो बोलो, एक मिनट जू जू इंग्लिश तू भड़का क्यों रहा है इसको बोल, अगर जू का स्पेलिंग बोले तो जू चले जाएंगे, जू जू डब्ल्यू एस से जू होता है, डब्ल्यू एस से वाटर होता है, डब्ल्यू एस से और क्या क्या होएगा बता, मतलब कुछ भी पूछ लो डब्ल्यू एस,
तो फाइनली डिसाइड हो गया, ये स्पेलिंग नहीं बोल पाई, नहीं जू जाएंगे, ठीक है। जू का स्पेलिंग बोलो एक बार, जू सिंपल है, जू जेड डबल ओ, नहीं कभी स्पेलिंग बोल दीजिए, हां चलो संडे को, सॉरी मंडे को डिसाइड करेंगे कहाँ पे जाना है, अभी तो फिलहाल कोई डिसाइड नहीं है। हो सकता है वाटर पार्क नहीं जाएंगे क्योंकि अभी गर्मी का दिन है ना, तो पानी भी जो है ना पूरा गर्म होता है। हाँ बोलो, वाटर पार्क छुट्टी मुन्नी को मतलब खुशी को जाना है वाटर पार्क, देखेंगे अभी डिसाइड नहीं किया, जहाँ भी अगर सही बनता है वहाँ चले जाएंगे। सर सर अभी जो है मैं फर्स्ट क्लास नहा धो लिया हूँ, नहाने के बाद में ना एकदम फ्रेश फील होता है, और उसी के साथ साथ जो है बहुत तेज भूख भी लग रहा है, और इधर हमारा खाना तो बन ही गया है, बस अभी दुकान से पापड़ लाए हैं तो पापड़ को भाजेंगे अभी। पापड़ और दाल के साथ में जो मज़ा आता है ना चावल खाने में, एकदम बंगाली है तो चावल में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ये देखिए दोस्तों, साफ करने के बाद में कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम गजब का लग रहा है, साफ करने के बाद में ना एकदम चमक जाता है। धूल मिट्टी लगता है ना, तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादातर साफ सफाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि समय नहीं मिलता है। देखिए धुलने के बाद में कितना ही बढ़िया लग रहा है, एकदम खिला खिला सा। तो इधर जो है हमारा खाना लग चुका है, चावल है भुजी, अंडा भुजी, और इधर पापड़ भाजी, और इधर ये है कल रात का दाल, फटाफट से खा लेते हैं तो भूख लग रहा है। दोपहर का अभी देर बज रहा है, 1:30 से 2 बज रहा है। इधर खुशी मुन्नी खाने लग गई पापड़, खुशी मुन्नी खा रही है पापड़, पापड़ खा लियो पापड़। सो अभी जो है दोस्तों शाम के बज चुके हैं 5, और मैं सो गया था दिन में क्योंकि मेरे जो सिर पे है ना थोड़ा सा दर्द कर रहा था, क्योंकि मैं रात को जगे रहता हूँ 12-1 बजे तक, तो हमेशा 1-2 देर बज ही जाता है रात में, क्योंकि जो है मेरा गाड़ी को चार्ज करना पड़ता है, तो उसके लिए मेरे को जो देखना पड़ता है तभी जो तार लगाता हूँ ना बोर्ड पे वो गर्म हो जाता है, इसलिए उसका ध्यान रखना पड़ता है रात में जग के, तो मेरे को नींद पूरी नहीं होता, इस वजह से मेरा सिर दर्द कर रहा था। चलिए दोस्तों आज की जो ब्लॉग है यहीं तक रखते हैं, उम्मीद है आज की ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर दोस्तों पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ।